हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वॉल्ट विटमैन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम फिलिप आर्थर लैरकिन की बायोग्राफी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्ट विटमैन का बर्थ 31 मई को 1819 में हुआ था। इनका बर्थ लॉन्ग आइलैंड के वेस्ट हिल्स में न्यूयॉर्क में हुआ था। ये 19th सेंचुरी के एक अमेरिकन पोएट थे। वॉल्ट विटमैन के फादर का नाम वॉल्टर विटमैन था, जो कि एक हाउस बिल्डर थे। वॉल्ट विटमैन की मदर का नाम लुइसा वैन वेल्सर था। वॉल्ट विटमैन 9 भाई बहन थे एंड विटमैन अपने 9 भाई बहनों में सेकेंड नंबर पर थे। जब विटमैन 3 साल के थे, तभी इनकी फैमिली लॉन्ग आइलैंड को छोड़कर ब्रुकलिन नाम की जगह पर शिफ्ट हो गई। इनकी स्कूलिंग ब्रुकलिन पब्लिक स्कूल से हुई। इन्हें बहुत ही लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन मिली। 11 की एज में विटमैन ने पढ़ाई छोड़ दी थी एंड अपने फादर की काम में हेल्प करने लगे थे। 12 ईयर्स की एज में इन्होंने प्रिंटर की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। जहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होते हैं, वहाँ पर जाकर ये काम सीखने लगे। इन्होंने बहुत ही जिज्ञासा के साथ बहुत सारी राइटिंग्स पढ़ी। ये होमर, शेक्सपियर एंड दांते की राइटिंग्स के बहुत अच्छे जानकार बन गए। विटमैन ने न्यूयॉर्क सिटी में प्रिंटर का काम किया। 1836 में 17 ईयर्स की एज में इन्होंने टीचिंग ज्वाइन कर ली एंड 1841 तक इन्होंने टीचिंग ही करी। फिर इनका इंटरेस्ट जर्नलिज्म की तरफ आया और ये अपना फुल टाइम जर्नलिज्म में देने लगे। इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर को फाउंड किया था, जिसका नाम द लॉन्ग आइलैंडर था। इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स एडिट किए। 1846 से 1848 तक ये ब्रुकलिन डेली ईगल न्यूज़पेपर के एडिटर बन गए। विटमैन एक बहुत ही कमाल के जर्नलिस्ट थे, जो कि अपने बॉस का हमेशा समर्थन नहीं करते थे। विटमैन सही का साथ देते थे। ये वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट, लेबर इशू, इन सब चीजों के सपोर्टर थे। 1848 में इन्होंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया एंड ये न्यू ऑर्लियंस सिटी चले गए, जहां पर ये न्यू ऑर्लियंस क्रिसेंट के एडिटर बन गए। इन्होंने न्यू ऑर्लियंस क्रिसेंट के लिए बस 3 मंथ्स काम किया। भले ही इन्होंने यहां पर 3 मंथ्स ही काम किया, लेकिन यहीं पर इन्होंने गुलामों के साथ हो रहा अत्याचार देखा। फिर विटमैन 1848 में ही ब्रुकलिन वापस आ गए एंड इन्होंने एक नया न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, जिसका नाम ब्रुकलिन फ्रीमैन था। इस न्यूज़पेपर में ये गुलामी का विरोध करते थे। विटमैन उस टाइम पर होने वाली गुलामी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे। स्टार्टिंग में इस न्यूज़पेपर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। जैसे जैसे देश में गुलामी पर सवाल उठने लगा, वैसे वैसे विटमैन का गुस्सा भी इस गुलामी पर बढ़ने लगा। विटमैन ने अपने पोएटिक स्टाइल को डेवलप किया। फाइनली 1855 में इन्होंने 12 अनटाइटल्ड पोएम्स के एक कलेक्शन को खुद से पब्लिश करवाया, जिसमें एक प्रीफेस भी था। इस 12 पोएम्स के कलेक्शन एंड प्रीफेस का नाम लीव्स ऑफ ग्रास था। विटमैन लीव्स ऑफ ग्रास की सिर्फ 795 कॉपीज ही प्रिंट करा पाए। लीव्स ऑफ ग्रास को स्टार्टिंग में बहुत कम अटेंशन मिली। विटमैन ने एक बहुत ही फेमस पोएट रॉल्फ वाल्डो इमर्सन को अपनी लीव्स ऑफ ग्रास की एक कॉपी भेजी थी। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने विटमैन के इस वर्क को अप्रिशिएट किया था। इमर्सन ने विटमैन को एक लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास को अप्रिशिएट किया था। इमर्सन ने लीव्स ऑफ ग्रास के लिए कहा था, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम। नेक्स्ट ईयर ही 1856 में विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास का सेकेंड एडिशन पब्लिश करवाया, जिसमें 32 पोएम्स थी एंड इमर्सन का भेजा हुआ लेटर भी था एंड विटमैन का लिखा हुआ ओपन लेटर भी था, जो विटमैन ने इमर्सन के लेटर के रिप्लाई में लिखा था। विटमैन के पोएटिक स्टाइल से बहुत सारे राइटर्स इम्प्रेस हुए थे। उनमें से 2 राइटर्स, हेनरी डेविड थोरो एंड ब्रॉन्सन ऑलकॉट, ब्रुकलिन ही पहुंच गए थे विटमैन से मिलने के लिए। विटमैन अब घर पर रहने लगे थे। 1855 में विटमैन के फादर की डेथ हो गई थी। इस टाइम पर विटमैन के फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी। इनके भाई जैसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और उनका स्वभाव बिगड़ने लगा था।
प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए विटमैन ने 5 दिसंबर 1864 को जैसे को किंग्स काउंटी ल्यूनेटिक अजाइलम में दे दिया। अजाइलम यानी कि पागलखाना। तो विटमैन के भाई को पागलखाने में डाल दिया गया था। विटमैन का दूसरा भाई एंड्रियो भी अल्कोहलिक था एंड इनकी बहन हैना भी इमोशनली सही नहीं थी। तो ये सारी फैमिलियल प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम पर। विटमैन की लीव्स ऑफ ग्रास का सेकंड एडिशन भी पॉपुलर नहीं हुआ। 1860 में लीव्स ऑफ ग्रास का थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ। इस थर्ड एडिशन को बोस्टन पब्लिशर ने पब्लिश किया था। चिल्ड्रन ऑफ एडम एंड कैलेमस जैसी पोएम्स थी इस थर्ड एडिशन में। लेकिन सिविल वॉर के स्टार्ट होने की वजह से पब्लिशिंग बिजनेस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। विटमैन भी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में थे। 1862 में विटमैन फ्रेडरिक्सबर्ग गए। फ्रेडरिक्सबर्ग सिटी का नाम है। विटमैन फ्रेडरिक्सबर्ग अपने भाई जॉर्ज से मिलने गए थे। एक्चुअली जॉर्ज सिविल वॉर में लड़े थे और घायल हो गए थे। जॉर्ज का ट्रीटमेंट फ्रेडरिक्सबर्ग में चल रहा था, तो विटमैन अपने घायल भाई जॉर्ज से मिलने गए थे। फिर विटमैन वॉशिंगटन डीसी चले गए और वहाँ पर वो पे मास्टर्स ऑफिस में पार्ट टाइम वर्क करने लगे और अपने बचे हुए टाइम में वो वॉर में घायल हुए सोल्जर्स से मिलने जाते थे। विटमैन के अकॉर्डिंग वो अप्रोक्स 600 टाइम्स हॉस्पिटल गए और 80,000 टू 1 लाख पेशेंट्स को देखा। विटमैन हॉस्पिटल जाते थे और पेशेंट्स की देखभाल करते थे और उन्हें हिम्मत देते थे। इन्होंने 1865 में एक नया पोएम्स का कलेक्शन को पब्लिश करवाया था। इस कलेक्शन का नाम ड्रम टैप्स था। इस कलेक्शन में इन्होंने सिविल वॉर के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। इस कलेक्शन में बीट बीट ड्रम्स, विजल स्ट्रेंज, आई कैप्ट ऑन द फील्ड वन नाइट पोएम्स थी। उसी ईयर ड्रम टैप्स कलेक्शन का एक सीक्वल आया। सीक्वल का मतलब है वो बुक जो स्टोरी को कंटिन्यू करे। इस सीक्वल में 18 न्यू पोएम्स थी। उनमें से एक बहुत ही फेमस एलिजी भी थी जिसका नाम वेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड था। ये एलिजी विटमैन ने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के लिए लिखी थी। एलिजी एक सैड पोएम होती है जो किसी की डेथ हो जाने पर लिखी जाती है। इन शॉर्ट एलिजी एक शोक गीत होती है। अगर आपको एलिजी के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पर वीडियो लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। 1860 के मिड में विटमैन वॉशिंगटन में इंडियन ब्यूरो के इंटीरियर डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब करने लगे थे। 1867 में इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास का फोर्थ एडिशन पब्लिश करवाया। इन्होंने अपनी राइटिंग कंटिन्यू रखी और 1870 में दो नए कलेक्शंस भी पब्लिश कराए, डेमोक्रेटिक विस्तार्स एंड पैसेज टू इंडिया, और साथ ही लीव्स ऑफ ग्रास का फिफ्थ एडिशन भी पब्लिश कराया। जनवरी 1873 में विटमैन पार्शियली पैरालाइज्ड हो गए थे। मई में ये कैमडन सिटी चले गए अपनी बीमार मदर को देखने के लिए। इनकी मदर की कंडीशन काफी सीरियस थी। विटमैन के कैमडन पहुंचने के सिर्फ 3 दिन बाद ही इनकी मदर की डेथ हो गई। विटमैन अपने भाई के साथ 1882 तक रहे जब तक लीव्स ऑफ ग्रास का जेम्स आर ऑसगुड पब्लिश नहीं हो गया। जब लीव्स ऑफ ग्रास का ये एडिशन पब्लिश हुआ तो इसकी बहुत ज्यादा बिक्री हुई एंड विटमैन ने इतना पैसा अर्न कर लिया कि इन्होंने कैमडन में एक बढ़िया घर खरीद लिया। उसी घर में विटमैन ने अपने लास्ट के इयर्स बिताए। 26 मार्च 1892 में कैमडन में विटमैन की डेथ हो गई। अपने लास्ट तक विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास पर काम किया। विटमैन की लास्ट बुक गुड बाय एंड माय फैंसी थी। ये दोनों बुक्स विटमैन की डेथ से एक साल पहले ही पब्लिश हुई थी। विटमैन को एक बड़ी समाधि में दफनाया गया था। वो समाधि कैमडन में हर्ली सेमेट्री में है। विटमैन की समाधि विटमैन ने खुद ही डिजाइन करी थी अपने डेथ से पहले। विटमैन एक बहुत ही कमाल के अमेरिकन पोएट थे। सो गाइस, हम वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।